सलामकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ड्रोन लगा हुआ है मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, सर उसकी पिक्चर सेंड करना। चले मैं सेंड कर देता हूँ। ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बंदा जो है ये फ्रॉडी बंदा है, फ्रॉड करता है, और ये शायद भूल गया, इसने पहले भी मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र मैं बच गया हूँ। इसका क्या तरीका कार है, ये ओलेक्स फेसबुक वगैरह से अगर किसी ने कोई चीज़ ऐड लगाई होती है सेल करने के लिए, तो वहाँ से नंबर लेता है, फिर जैसे इसी तरह अभी आपने कॉल पर सुना होगा, ये पिक्च मांगता है, वीडियोज़ मांगता है, फिर आगे ये कस्टमर फंसाता है, यानी कि अपने तौर पे आगे से ऐड लगा देता है। और फिर क्या करता है कि अगले बंदे को कहता है कि ये ड्रोन मेरे पास या ये चीज़ मेरे पास पड़ी हुई, मैं आपको सस्ती दे दूंगा। अगले बंदे से ये एडवांस पेमेंट ले लेता है, और उसके बाद जो है ना उसको फिर ब्लॉक कर देता है। अगला बंदा मुतमईन हो जाता है क्योंकि उसको इसने पिक्चरें सेंड की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कॉन्टेक्ट किया था और कहा था कि जी आपका ड्रोन जो है वो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उनको बताया भाई आपके आपके साथ तो मेरी कोई डील ही नहीं हुई। तो फिर जब सारी तहकीकात हुई तो पता चला कि इन भाई साहब को किसी ने मेरे वाले ड्रोन की पिक्चरें सेंड की हैं और उसको कहा है कि जी ये मेरा ड्रोन है ये वो, जिस तरह उसने फंसाया। उसने एडवांस पेमेंट ले ली है बंदे ने, और एडवांस पेमेंट लेने के बाद उसने अपनी ऐड डिलीट कर दी और इस बंदे को ब्लॉक कर दिया। अब इसकी मैं आपको बात भी सुनाता हूँ, ये सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई, चलें अगर आप नहीं हैं तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं। बहरहाल मैंने आपकी लोकेशन FIA को सेंड कर दी, वो खुद ही आपसे तहकीक कर लेंगे। तो मैंने मेरे अब ये जो भाई साहब हैं, ये जिनका नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद इनके साथ जो है स्कैम हो चुका है। तो इन्होंने उस बंदे को एडवांस पेमेंट सेंड की है, और ये अब कह रहे हैं कि जी वो आप खुद हैं, आपका दूसरा नंबर है, ये वो जिस तरह होता है। तो मैंने उनको कहा है भाई आप जो करना चाहते हैं कर लें, आपके पास नंबर होगा जिसने आपके साथ स्कैम किया है, जिसने आपको ड्रोन की पिक्चरें सेंड की हैं, और जिसने जो है वो आपको वो किया है, आपने उसके अकाउंट में पेमेंट सेंड किया है, तो आप उस बंदे के ख़िलाफ़ FIA में वो कंप्लेन करें ताकि वो बंदा पकड़ा जाए। अब ये जो बंदा है ये वाला, असल में ये फ्रॉडी है। ये क्या करता है, ये भी मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसको दोबारा से ड्रोन की पिक्चरें सेंड करूँगा, ये कैसे आगे से ये और कस्टमर फंसाएगा। इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं इसको फंसाऊंगा, देखते हैं क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप भिजवा दें मुझे पिक्चरें, मैं जरा अपने बेटे को लेके देना। जी मैं भेज देता हूँ, सेंड करता हूँ पिक्चरें। ठीक है अभी भेजें, ठीक है ना, बच्चे ने तंग किया हुआ लेके देगा, टाइम छोड़ रहे हैं। ठीक है मैं करता हूँ। अभी आप लोगों ने सुना कि ये कहता है कि जान छुड़ाएं, यानी कि इस बंदे ने आगे किसी को फंसाया हुआ है ठीक ठाक, और वो बंदा इससे पिक्चरें मांग रहा है, तो ये मेरे वाले ड्रोन की पिक्चरें उस बंदे को सेंड करेगा, उसके बाद जो है ना उस बंदे से पेमेंट एडवांस लेगा। ये अब इसका नंबर आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर इसका नंबर चल रहा है, इसकी फ़ोटो भी अल्लाह नहीं, अभी अल्लाह जानता है कि ये फ़ोटो इसकी ओरिजिनल है या नहीं है। ये नंबर आप लोगों के सामने आए, और ये वीडियो मैं YouTube पर इसलिए डालूंगा ताकि जो है ना अगर कल को कोई बंदा ये कहता है कि यार आपके ड्रोन की पिक्चरें थी, हमने फिलहाल बंदे को पैसे दिए हैं, तो इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा, वो आप अपने ज़िम्मेदार खुद हैं। अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट भेजते हैं तो आप अपने खुद ज़िम्मेदार हैं, हम किसी के ज़िम्मेदार नहीं हैं। अब इस बंदे को मैं पिक्चरें अपने ड्रोन की जो है वो सेंड कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरा स्टूडियो है, मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ और मैं चीज़ें सेल करता रहता हूँ, ख़रीदता भी रहता हूँ, तो अब मुझे तो नहीं पता होना कि कौन सा बंदा फ्रॉड कर रहा है, कौन सा बंदा रियल में चीज़ लेना चाहता है। अब मैं इस बंदे को जो है वो पिक्चरें सेंड कर रहा हूँ अपने ड्रोन की, ठीक है। उसके बाद अब ये बंदा क्या करेगा, जो भी होगा खैर, इसको इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं फंसाऊँगा इसको, जिस तरह ये लोगों से एडवांस पेमेंट ले लेता है ना, तो इस दफ़ा जितनी मेरे से हो सकेगी मैं इससे एडवांस मंगवाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं भेजेगा लेकिन 4,000-5,000 जितने भी ये एडवांस भेजेगा मुझे वो मैं इससे लूँगा, और मैं वो लेके इंशाल्लाह किसी नेकी के काम में इस्तेमाल करूँगा। तो ये मैंने इसको पिक्चरें सेंड कर दी हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कहता है। अब दोस्तों उस बंदे को मैंने पिक्चरें सेंड की थी, अब दोबारा मुझे वो कॉल कर रहा है, सुनते हैं इसकी क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार, कितने का फाइनल कितने का दे रहे हैं?
ये फुल फाइनल एक बात करूं या फिर बार्गेनिंग वाली बात होगी? नहीं, बार मुझे फुल फाइनल 75,000, 75,000 का, इससे एक रुपया कम नहीं। दो बैटरी हैं साथ में, चार्जर है, बैग है। अच्छा तो बैटरी टाइमिंग क्या है? बैटरी टाइमिंग 20 मिनट प्लस एक बैटरी, दूसरी बैटरी भी ऐसे है, 20-20 मिनट चलती हैं। अच्छा, तो ये मुझे आप, मैं अपना आईडी कार्ड सेंड कर देता हूँ, तो ये गुजरा वाले में मिल सकता है मेरे एड्रेस पे, मेरे घर के एड्रेस सर आईडी कार्ड को मैंने क्या करना है? देखें, आप कोशिश करें कि आपका इधर का पे? नहीं कोई नहीं नहीं करीब का बंदा है तो नहीं ठीक नहीं है, नहीं वरना नहीं आप मुझे मेरा पेमेंट आईडी कराएंगे कार्ड तो मैं टीसीएस भेजिएगा, कराऊंगा। बस जी मेरे आईडी कार्ड भेजने का मकसद ये है कि मेरा पीजी एड्रेस लिखा हुआ है, सही है, मेरे एड्रेस पे आपने भेज। सही है। हाँ तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोटद्दू से हूँ, वो ये कहाँ पे पड़ता है? ये जिला मुजफ्फरगढ़ में आ जाता है, मुल्तान में। मुल्तान से? मुल्तान से आपका एड इस्लामाबाद में नहीं लगा हुआ था? जी इस्लामाबाद में नहीं लगा हुआ था आपका एड? इस्लामाबाद मैंने लिखा हुआ था 2 दिन के लिए, मैं गया था उधर ही 3 दिन के लिए। उधर मैंने लिखा हुआ गया कि सिर्फ 2 दिन के लिए हम इस्लामाबाद में हैं, उसके बाद वापस आ गए हैं कल। जी तो शायद इसलिए। तो फिर आप ऐसा करो ना, मैं अपना एड्रेस सेंड कर देता हूँ आपको, क्योंकि सही है, तो मेरा भाई है, मैं कुछ जॉब करता हूँ सही है, प्लान पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की तरफ से ना, सही है। पेमेंट मैंने करनी है, और बैंक अकाउंट अपना दे देना या पैसा दे देना, मैं, मेरे पास अमेज़न है सही है, ऑनलाइन बैंकिंग, तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा। सही है, लेकिन आप हमारे एड्रेस पे भेज दो कि ये चीज़ मैंने लगवा दी है, सही है, ठीक है ना? अभी बच्चे से एड्रेस लेके ना आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक सही है। है? और एक मेहरबानी करना कि जो आप वो क्या कहते हैं कि जब पैकिंग कर लेंगे ना, प्रॉपर जी वीडियो बना लेना पूरे सामान की। शायद ज़रूर बना। दोस्तों आपने कॉल पर सुना भी होगा कि वो कहता है कि मुझे इसके सामान की, ड्रोन की वीडियो दिखाओ। अब ये वीडियो अगले बंदे को सेंड करेगा जिसको ये फंसा रहा है, ठीक है? तो अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अब मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी ये कहेगा कि मुझे उड़ा के दिखाओ, मुझे तसल्ली कराओ, ये करो वो करो। वो मेरे पास वीडियो पहले से मौजूद हैं जो मैंने इसको पहले दिखाई थी या किसी और को भी दिखाई थी मैंने, तो वो मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो इस वीडियो को जो भी भाई देख रहे हैं, तो अगर किसी के साथ स्कैम होता है तो, या किसी के साथ हो भी चुका होगा, तो वो भी अवेयर रहें, खबरदार रहें। अगर इस ड्रोन का या किसी भी चीज़ का स्कैम होता है तो कोई भी बंदा ये ना कहे कि यार ओरिजिनल बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया, मैं इसीलिए वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे फ्रॉडी हैं। आप जिससे भी कोई चीज़ लेने लगें, आप वीडियो कॉल करें उसको, उससे वीडियो ना मंगवाएं, क्योंकि वीडियो तो वही किसी और से लेके सेंड कर देगा आपको। आप उससे वीडियो कॉल करें और लाइव देखें कि उसके पास चीज़ है या नहीं। वीडियो यार काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन इसका तरीक़ाकार वारदात का जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मुकम्मल। उसके अलावा मैं वीडियो हर चीज़ की, हर डिटेल की इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसी और भाई के साथ अगर स्कैम होता है तो कल को वो मेरे ऊपर शक बिल्कुल ना करे। मैं उसको वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा कि ये देखें, मैंने तो काफ़ी दिन पहले ही इसकी वीडियो, इस फ्राडे की पहले ही असलियत बता दी थी। चले मैं उसको वीडियो सेंड करता हूँ। मैं आवाज़ अपनी रिकॉर्ड नहीं करूँगा वीडियो में, क्योंकि हो सकता है कि कल को जिस बंदे को ये वीडियो सेंड करेगा वो मुझे कहेगा कि यार इसमें तो ऑडियो भी आपकी थी, फिर मैं मुकर भी नहीं पाऊँगा, ठीक है?
दोस्तों मैंने उसको वीडियो सेंड किया, अब उसके बाद ये क्या कहता है वीडियो देखने के बाद, सुनते हैं इसकी। हेलो सर, अगर आप ऑफिस पहुंचे हैं तो मैं आपको ड्रेस सेंड करता हूँ। जी क्या कह रहे हैं आप? कोरियर ऑफिस पहुंचे मैं आपको ड्रेस सेंड करता हूँ। ठीक सर, पहले आप पेमेंट सेंड करेंगे तो मैं इधर से जाऊंगा ना, मैं उधर बैठा रहा हूँ पेमेंट के इंतजार में। यार देखो कि भाई आपने कौन से मुझे पहले चीज जमा करवा दी है, पहले भाई जब वो पैकिंग होनी है तो चीज जमा ही होनी है, पैकिंग होनी है तो जब चीज जमा ही होनी है ना, जब पैक होगी तो मेरे खाते पे तो चार्जेस बढ़ गए अगर नहीं भी लेंगे। ठीक है आप अपने अकाउंट नंबर सेंड करें। ठीक है। अच्छा भी दोस्तों अब इसको मैंने अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दिया, इसने कहा ठीक है मैं आपको जो है ना वो चार्जेस के जो पैसे हैं वो एडवांस सेंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये है 100% स्कैमर, इसकी सारी बातें वही हैं और ये नंबर भी वही है। अब इसकी दोबारा सुनते हैं क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बैंक अकाउंट नंबर देना, ये कौन सा बैंक अकाउंट नंबर दूँ? जी चलो मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर दे देता हूँ। ठीक हाँ ठीक चलें, इसको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए तो मैं इसको बैंक अकाउंट नंबर दे देता हूँ, वो भी ये देख लेगा। उसके बाद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ये है 100% स्कैमर, और आखिर पे एंड पे जो होगा वो नतीजा भी मैं आप लोगों को वीडियो में सेंड कर दूँगा। अब ये बातें क्योंकि काफ़ी लंबी होती जाएंगी। अब ये बंदा काफ़ी देर से चुप हो गया है, कहते हैं कि मैं आपके अकाउंट में पेमेंट जो है वो भेज देता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हो गया था, ऑफलाइन था, उसकी तीन कॉलें भी आई, मैंने उसको मैसेज किया जी भाई, तो ये ओ देखिए फिर कॉल आ गई, शैतान को याद किया शैतान हाजिर, सुनते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो जी भाई, आपने नंबर को ऑफ किया अपना? जी आपने अपना नंबर ऑफ क्यों किया? कब ऑफ किया भाई? क्या कह रहे हैं? हेलो क्या कह रहे हैं भाई, आवाज आपकी कट करके आ रही है। अब देखें ये कह रहा है कि थोड़ी देर में पेमेंट आपको आ जाएगी, अब ये मुझे मुतमइन करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी समझ लग गई होगी इस फ्रॉडिया की, और ये 100% ये स्कैमर है। तो मैं अभी वीडियो का काम स्टॉप करके इसकी वीडियो फाइनल करके अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, इससे पहले कि किसी के साथ ये स्कैम करे मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ताकि दोस्त अहबाब जो हैं वो इस चालाक लोमड़ी कह लें, बेगैरत घटिया इंसान कह लें या कुछ भी कह लें, इस बंदे से बच के रहें। तो एक और गुजारिश भी है कि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते ना करें, आप कम से कम इस बेगैरत का नंबर और इसकी तस्वीर लाजमी फेसबुक ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने दोस्त अहबाब जो चीज़ लेने देने या ओलक्स पे एड वगैरह लगाते हैं किसी भी चीज़ ने किसी ने लगाई हो, तो उन तक ये लाजमी पैगाम पहुँचाएँ। पहले तो कोशिश करें वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको समझ भी लग जाए कि इनका तरीक़ाकार वारदात का क्या होता है। अगर वीडियो नहीं पहुंचानी तो कम से कम आप इसका नंबर लाजमी शेयर करें और बताएं कि ये फ्रॉडी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आप जमा करवाएंगे ना फिर आपको पेमेंट करूँगा, पहले आप कोरियर ऑफिस पहुँचें। ऐसे नहीं हो सकता भाई, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। ओके अब आप लोगों ने सुन लिया कि ये कहता है कि जी पहले जमा कराओ फिर मैं पेमेंट भेजूंगा। अब तो जिस बंदे को अगर किसी को ज़रा भर भी शक हो कि ये स्कैमर नहीं है तो अब तो यकीन हो गया होगा कि ये चाहता है कि मैं किसी तरह लालच में आ जाऊं कि मैं कहूं यार चलो मेरी चीज़ बिक रही है अर्जेंटली बेच दूं मैं जाके इसको कुरियर करवा दूं। अब इसका जो लास्ट हमारे साथ कॉन्टेक्ट हुआ, देखें 3:44 पर मैंने इसको मैसेज किया और इसकी जो लास्ट कॉल आई है जस्ट नाउ आइए, अभी आप इस वक्त टाइम देख सकते हैं कि इसकी जो अभी अभी की कॉल है वो 3:55 पर, इसके बाद इसका और मेरी बात ख़त्म हो गई इस वक्त। अब भी अगर किसी के साथ भी ये स्कैम करता है, क्योंकि इसके पास वीडियो के अपना ड्रोन की वीडियो और ड्रोन की पिक्चर्स हैं, आज डेट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ,
फ्राइडे 22 अप्रैल 2022 आज की डेट है, तो इस बंदे से बच के रहें। हम किसी भी भाई के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि कल को कोई कहे कि यार आपके ड्रोन की, आपकी चीज़ की हमें तस्वीरें दिखा के हमारे साथ स्कैम किया गया, तो बच के रहें।